एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? तो सबको नमस्ते और जूले। तो आज हम जा रहे हैं मनाली, मनाली 15 मैल। तो वहाँ पे आज सिल्वर जुबली है, और कहाँ, स्कूल में, तो हिमालयन बुद्धिस्ट स्कूल में। तो चलिए आप लोग भी और हमारे साथ स्कूल में फंक्शन एंजॉय कीजिए। और स्पीच भी दे रहे हैं, स्पीच भी होंगे, दे रहे नहीं होंगे, कल्चर प्रोग्राम भी होंगे, और आप लोग इंजॉय खूब करना भी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं, और आगे हम लोग चलो देखते हैं स्कूल में। और जब हम लोग पहुंच चुके थे तब तक बच्चों का अपना जो मार्च पास वगैरह ख़त्म हो चुका था। और तो चलिए अभी हम चलेंगे उनका प्रोग्राम देखने। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लास्ट तक देखना। तो स्पीच को मैंने कट कर दिया है, उसके लिए सॉरी, और नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबे हो जाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके, शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। तो चलिए अभी हम वीडियो देखते हैं आगे। हम सभी को बेहद खुशी हो रही है कि आज परम श्रद्धेय लोचेन टुल्कु रिम्पोचे जी हमारे स्कूल की सिल्वर जुबली के मौके पर यहाँ पधारे हैं। अतः इस मौके पर मैं उन्हें पूर्ण आदर भाव एवं सम्मान के साथ मंच पर दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद रिंपोचे जी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम स्वागत करेंगे खाता पहना के, तो देख लीजिए आप लोग भी। मंगलाचरण वाली गर्ल्स स्टेज के पास पहुंच जाएं। यहां आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने अपना मंगलाचरण शुरू कर दिया है गाना, तो देख लीजिए आप लोग। पर मिस पलकी ठाकुर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर हमारे स्कूल के 25 साल के इतिहास के बारे में आप सबको बधाएं। धन्यवाद। परम श्रद्धेय लोचेन टुल्कु रिम्पोचे जी, श्रद्धेय शर्से खेन्सु रिम्पोचे जी, श्रद्धेय खेन्पो गंकर रिम्पोचे युतुत लामा उमजतला, आदरणीय गिशे लामा छोसपल जोतपा जी, आदरणीय लामागण, सम्माननीय
डॉक्टर अरमेंदर बेहरा जी डायरेक्टर एनसीईआरटी दिल्ली, डॉक्टर यशपाल जी एनसीईआरटी दिल्ली, डॉक्टर कमलेश कुमार यादव जी एनसीईआरटी दिल्ली, प्रोफेसर विकास कुमार जी एचओडी संस्कृत दरभंगा बिहार, प्रोफेसर अहमद आसिफ जी रिसर्च स्कॉलर बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर श्यामनाथ जी खत्री राजस्थान, श्री तोपतन जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, ब्रिगेडियर टेक सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर बिशन जी, श्री शरवण कुमार जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, डॉक्टर नीलचंद जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्री अक्षय जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्री ठाकुर सूरज जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्री सतीश लोपा जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्रीमती सुनीता देवी जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, प्रोफेसर लामा छेवांग यंगजुर जी CIBS चोगलम सरले, श्री मरलिंग गुम्बो जी बुद्धिस्ट स्कॉलर, श्री मिस तंजिन छोनी बुद्धिस्ट स्कॉलर शिमला से, अन्य गणमान्य अतिथिगण विभिन्न विद्यालयों से आए प्रिंसिपल्स, अभिभावकगण, अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है आज हम सबसे पहले मैं इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है ये समारोह हमारे विद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1997 में माननीय गेशे लामा छोस्पेल ज़ोरपा जी के प्रयास से दूर दराज इलाकों के बच्चों को आधुनिक एवं अच्छी शिक्षा देने के लिए खोला गया। एक छोटे से किराए के मकान में ये विद्यालय शुरू किया गया। आरंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे पास ना अपना भवन था और ना ही साधन। आरंभ में हमारा विद्यालय चिचोगा में खोला गया। वहां हमने अपना विद्यालय 2 वर्ष तक चलाया। इसके पश्चात हमने अपना विद्यालय ओल्ड मनाली शिफ्ट किए। ओल्ड मनाली में जहां हमारा विद्यालय था उसके चारों तरफ लोगों का खेत और बगीचे थे और हमारे बच्चे वहां चले जाते थे और बहुत नुकसान करते थे। उन दौरान हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रंगरी में भी अपर्याप्त जगह नहीं थी, वहां भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संस्था के सदस्यों के सहयोग, अध्यापकों के कठिन परिश्रम और विशेष रूप से गेशे लामा छोस्पेल ज़ोरपा जी के मार्गदर्शन से हमने एक किराए के मकान से शुरू किया गया सफर अपने स्कूल के विद्यालय में परिवर्तित किया। आज हमारे पास एक सुंदर भवन और एक बहुत सुंदर परिसर है। मैं पास हुए उस समय सिर्फ 9 बच्चे थे। वो बच्चे अभी कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं। जम्पल शिगन जिन्होंने इंग्लिश में PhD की है आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश बने हैं। दिचिन लामो MBBS डॉक्टर MBBS की है और वो डॉक्टर हैं। तंजिन नेलेक पोस्टल असिस्टेंट बने हैं। शिवम नुरबू बैंकिंग में हैं। तंजिन जम्फिल फील्ड असिस्टेंट PhD हैं और छेरिंग छोटन स्टाफ नर्स की है और दिल्ली में है। सेकेंड बैच 2006 में निकले। तो यहाँ मैडम पलकी ने 2006 से 2022 तक पूरा बेच उन्होंने जो जो निकले बच्चे लाइक लाइक बच्चे निकले यहाँ से तो डिटेल में समझाया, तो उसको मैं सॉरी पूरा दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते, इसलिए तो आगे हम चलते हैं लास्ट में। अभी लास्ट बेच 2021-22 में तब 31 बच्चे थे। सभी का एक बार यहाँ पधारने पर पुने पुने धन्यवाद करती हूँ। जय भारत जय हिंद। तो जितने भी स्कूल के स्टाफ्स हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। तो उन्होंने बीच बीच में हमें चाय भी पिलाए, मीठा चाय और नमकीन चाय पानी सब कुछ लाते रहे। तो जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए थैंक यू।
तो यहाँ पे रिम्पोचे जी अपना स्पीच देंगे। हो जुले जुले मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, गलती हुआ तो क्षमा करना। आज यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय जमगोन्दे बेसल से जब जी होंगर रिम्पोछे, परम श्रद्धेय जब जी शर से खेसुर रिम्पोछे छंगजु छंदेन जी, और यहाँ का डायरेक्टर हमारा हिमालय बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन का प्रधान श्रद्धेय गिशे छुबिल जपा जी, श्रद्धेय भिक्षुगण और हमारे प्रिंसिपल मैडम पल्सकी महोदया, मेरा मित्र मलिंग गोम्बो जी अरुणाचल प्रदेश से, और हमारा और सिलीगुड़ी का मित्र और हमारा नेगी साहब ब्रिगेडियर टेक्चर नेगी जी, और हमारा और मंच पे उपस्थित प्रोफेसर गान विद्वान गान और अन्य मेहमान गान और प्यारे बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स सबको मेरे ओर से प्यार और आशीर्वाद। आज ये जैसे सभी वक्ताओं ने जैसे कहा है, आज हम लोग यहाँ सिल्वर जुबली का इस स्कूल का सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और इसलिए सिल्वर जुबली के ये अवसर पर मैं प्यारे बच्चों और अध्यापक गण और प्रिंसिपल मैम और सभी कर्मचारी और खास करके यहाँ के जो सबसे वो क्या कहना चाहिए, मेहनत करने वाला लम गिशेर छुटपिल जोपा जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों के लिए आपका शिक्षा अध्ययन करना जो है वो पूरा अच्छा रहे, और भविष्य में अभी जो परिचित प्रिंसिपल मैडम महोदया जी ने बहुत लिस्ट लंबे लिस्ट पढ़ के सुनाया, यहाँ से निकाल के स्कूल कितना इंजीनियर्स निकला, कितना ऑफिसर्स निकला, कितना मिलिट्री में ऑफिसर्स निकला, कितना सोशल वर्कर्स निकला, वो सब उन्होंने लिस्ट पर। आप लोगों को भी भविष्य में अच्छे उसमें पोस्ट में जाएं, और अपना आपको भी फायदा पहुंचाएं, और साथ साथ समाज को भी एक बार और मैं आपको बधाई देता हूँ सिल्वर जुबली के इस अवसर पर, और आप बच्चों को भी आप लोग सब शिक्षा अच्छा मिले और भविष्य अच्छा हो। और अब धर्म की बात मैं कल करूँगा, तो फिर सब जैसे आप सोचते हैं वैसे मनोकामना पूरा हो, ऐसा में मेरा प्रार्थना रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम श्रद्धेय रिम्पोचे जी, मैं आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे। तो चलिए अब हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल में आए हुए मेहमान स्कूल हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर स्कूल सिलीगुड़ी के छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना रेलवा डांस लेके आए। जो ये बच्चे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं इसको रेलपा डांस बोलते हैं, अगर किसी को पता ना हो तो। लासो।
तो चलते हैं अभी हम लोग लाहौल की तरफ। तो यहाँ पे बच्चे लावली डांस प्रस्तुत करेंगे। अभी आप लोग देखेंगे सिलीगुड़ी से आए स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस। तो ये है सिंगे डांस।